मैं मिल्क पाउडर से पनीर बनाने वाली हूँ, पहली बार बनाऊंगी। वैसे नॉर्मल मिल्क से तो हमेशा बनाती हूँ, लेकिन मिल्क पाउडर से ट्राई करने वाली हूँ। आजकल जैसे आपको पता है कि बाहर का पनीर इतना सेफ नहीं है, तो मैंने सोचा घर पे ही पाउडर लेके इसी का बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए पहले मैं इस कप से 4 कप पानी ले रही हूँ। ये है 4 कप पानी। तो इसको मैं थोड़ा गर्म करूंगी, हल्का गर्म करूंगी, बॉइल नहीं करूंगी। उसके बाद मैं मिल्क पाउडर मिलाने वाली हूँ। ध्यान रहे कि इसमें कोई भी गीली चीज यानी गीली चम्मच वगैरह इसमें ना डालें, और इसको एयर टाइट कंटेनर में उसके बाद बंद करने वाली हूँ, क्योंकि इस पर थोड़ी सी भी हवा लगेगी तो ये फिर मिल्क पाउडर खराब हो सकता है। तो इसको अच्छे से फिर पैक करके रखना ज़रूरी है। और मैं इसी कप से 4 कप पानी लिए थे, तो 2 कप मिल्क पाउडर डालने वाली हूँ। तो ये मैं मिल्क पाउडर मिला रही हूँ। मेरा पानी जो था हल्का गर्म हो गया है, हल्का गर्म हो जाए तो इसे पाउडर यानी डाइल्यूट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैं इसको बॉईल करने रखने वाली हूँ और इसको एक अच्छा सा बॉईल दे दूंगी। तो अभी मैंने मिल्क बॉइलिंग पे रख दिया है, एक अच्छा बॉईल आ जाए। और ये मैंने विनेगर और पानी का मिक्स कर दिया है, यानी हाफ हाफ क्वांटिटी, दोनों की सेम क्वांटिटी में दोनों चीज़ ले ली है, और इससे दूध फाड़ने वाली हूँ। तो अभी मिल्क मेरा हो गया बॉयल और गैस कर दूंगी मैं बंद। और इसका जो टेम्परेचर है इसको थोड़ा डाउन करना है, बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग विनेगर ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो इतने अच्छे से फटेगा नहीं पनीर छेना। तो इसका थोड़ा टेम्परेचर डाउन कर दूंगी और उसके बाद ऐड करूंगी विनेगर। तो अभी जो मिल्क हमने बॉयल किया था अभी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ विनेगर। विनेगर एकदम से नहीं डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। और विनेगर डाल के चलाते रहिए। ये देखिए छेना बनके तैयार है। अभी देख रहे हो पानी एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है, तो इसका मतलब दूध अच्छे से फट चुका है। अब और फाड़ने की जरूरत नहीं है और मिलाने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं इसमें मिलाऊंगी थोड़ा ठंडा पानी। इस टाइम पे मैं पनीर को अच्छे से वॉश कर रही हूँ ताकि उसके जो विनेगर का जो उसमें जो स्मेल है वो निकल जाए, और मेरा पनीर अच्छे से वॉश भी हो गया है। पानी अच्छे से निचोड़ के मैंने वेट रखा है इसके ऊपर ताकि इसको अच्छे से शेप मिल जाए। मेरे पास वेट के लिए यही था तो मैंने यही रखा है।
कितना बढ़िया पनीर बना है। तो कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए कितना।